बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। आज फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। लगातार बीजेपी की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आज फरीदाबाद में यह प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सेक्टर 12 में लघु सचिवालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जाना है। तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है और आए दिन कांग्रेस अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है और आज फरीदाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजा, आज फिर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल होगा फरीदाबाद में, क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन आज सड़कों पर दिखेगा एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है, हम बात कर रहे हैं अलग अलग जिलों में कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा वो जा रही हैं और कहीं ना कहीं जनता की जो जन समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी की बात करें या फिर महंगाई की बात करें या फिर तमाम ऐसी समस्याएं जो की कांग्रेस लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उठाता आ रहा है, तो काफी अहम है आज का प्रोटेस्ट, क्योंकि फरीदाबाद में लगातार जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से कांग्रेस की गुटबाजी देखने को सामने आई है, कई कार्यकर्ता भी कांग्रेस के नाराज हुए। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन चुनावों में किया उसको लेकर जो कार्यकर्ता है फरीदाबाद के उनमें भी कहीं ना कहीं जोश भरने का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ने लगातार दौरे के उसका जोश भरने का काम किया, पर जो आज का प्रदर्शन है काफी खास रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, हम बात करें पूर्व विधायक या फिर जो विधायक है एनआईटी फरीदाबाद से नीरज शर्मा, ललित नागर जो की काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, अच्छे वक्ता भी माने जाते हैं, तो तमाम एक ही मंच पर तमाम कार्यकर्ता पहली बार फरीदाबाद में नजर आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है और कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। इससे पहले केंद्रीय जो आर्थिक नीतियां थी उसको लेकर सरकार को घेरा गया था और आज फरीदाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। सेक्टर 12 में लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन होगा। तो कांग्रेस आक्रामक तेवर में दिख रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को अलग अलग मुद्दों पर घेरा जाए। बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल देश भर में जारी है, कभी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ, कभी सरकार की जो जन समाज से भी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलता है। कांग्रेस के प्रवक्ता सत्यवीर डागर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यवीर जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू मैडम। आज कांग्रेस फिर से हल्ला बोल रही है, फरीदाबाद में ये प्रदर्शन किया जाएगा, किन मुद्दों पर आप बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और क्या मुद्दा है जिससे नाराज हैं? देखिए मैडम, फरीदाबाद की जो पहचान है एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में पहचान फरीदाबाद की रही जी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आपका जो कानून व्यवस्था को लेकर, जहां एक साइकिल पंचर को भी गोली मार दी जाती है जी, एक तेल भरो गैस लेने जाए कोई पेट्रोल पंप पे, वहां कोई सेफ नहीं है जी। सरे आम कितनी वारदातें फरीदाबाद में हुई है तो सबको लेके, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त है, सब ठीक चल रहा है प्रदेश में। हाँ जी, बीजेपी तो कहती है कि प्रदेश में सभी व्यवस्थाएं ठीक चल रही, लगातार प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, भाजपा ये बताए ना, नौकरियां कितनी दी है भाजपा ने आज तक? सारे बेरोजगार, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, यहाँ से भाग भाग के जा रही है। पीछे इनका वायदा था कि हम मदर यूनिट लेके आएंगे, एक भी मदर यूनिट नहीं आई। आज फरीदाबाद कंगाली की तरफ भाग रहा है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनका जिम्मेवार कौन है? वो नहीं भाजपा बताती कि हमारे हमने क्या किया है, उसका भी तो जवाब देना भाजपा की जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल, यानी कि रोजगार का भी मुद्दा होगा जिसको लेकर लगातार आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप खुद देखिए, जो 2 लाख रोजगार देने का वायदा करते थे आज कितने लोग बेरोजगार हो गए, नौकरी देने की तो बात छीनने का काम कर रहे हैं जी। जी, बहुत शुक्रिया सतवीर जी आपका हरियाणा न्यूज से बातचीत के लिए। तो लगातार देखिए कांग्रेस का ये कहना है रोजगार के मुद्दे पर देश में, प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं उनके मुद्दे पर, कानून व्यवस्था पर, इन तमाम मुद्दों पर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और यही कहना है कि जो रोजगार का वादा किया था प्रदेश में वो रोजगार लोगों को नहीं दिया जा रहा, इसीलिए कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है, इसीलिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में
विरोध प्रदर्शन आज किया जाना है और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। फरीदाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी। सेक्टर 12 में लघु सचिवालय के बाहर यह प्रदर्शन किया जाएगा और आप सुन पा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी यही कहा कि रोजगार का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा और तमाम अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और ये मुद्दे हैं जिस पर सरकार ने काम नहीं किया, कहना है कांग्रेस का। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि हम प्रयासरत हैं, हम काम कर रहे हैं प्रदेश में। इन सबके बीच आज कांग्रेस फिर से हल्ला बोलने जा रही है। फरीदाबाद में सेक्टर 12 में लघु सचिवालय के बाहर आज प्रदर्शन करेगी कांग्रेस।